हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है 17 अप्रैल। सो 17 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस उनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज़्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। कल के लेक्चर में लास्ट में आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था, सबसे पहले उसका टेस्ट आंसर मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स। सो देखिए, कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था वो ये था कि हाल ही में किसने डीडी रेट्रो चैनल शुरू किया। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन सही था। हाल ही में प्रसार भारती के द्वारा डीडी रेट्रो नामक एक चैनल शुरू किया गया है। प्रसार भारती मैंने आपको बताया था कि एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है और लॉकडाउन के दौरान लोगों का मनोरंजन होता रहे इसीलिए ये डीडी रेट्रो चैनल शुरू किया गया। इसमें क्या होगा कि जितने भी ओल्ड फेमस शो थे उन्हें दिखाया जाएगा रिपीट टेलीकास्ट पे, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना था। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केयर रेटिंग के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने। तो केयर रेटिंग एजेंसी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं उनका नाम है अजय महाजन। ए ऑप्शन आपका सही। उनका नाम क्या है? अजय महाजन। अजय महाजन से पहले कौन थे? तो इनसे पहले ये जो पद था ये राजेश मोकासी ने संभाला हुआ था। राजेश मोकासी की जगह ली है अजय महाजन ने। राजेश मोकासी जो है ये दिसंबर 2019 तक केयर रेटिंग के MD और CEO रहे थे। 2019 में दिसंबर 2019 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो उसके बाद इतने दिन तक ये पद खाली था, उसके बाद अब जो नए MD CEO बनाए गए उनका नाम है अजय महाजन। अब यहाँ पर केयर रेटिंग एजेंसी के बारे में स्टैटिक GK वाला पोर्शन आपको पता होना चाहिए। तो केयर रेटिंग एजेंसी की जो स्थापना है 1993 में हुई है और केयर रेटिंग का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे इंडिया में ही है। आपको पता होना चाहिए कि एक रेटिंग एजेंसी है, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उन्हें रेटिंग प्रोवाइड करती है उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, उनकी कस्टमर लॉयल्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट ओपन की होगी तो उसके बाहर लिखा होता है ना 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, तो वो एक रेटिंग है जो कि एक कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो होप सो आपको केयर रेटिंग के बारे में पता लग गया होगा। अगला क्वेश्चन है, IMF ने वर्ष 2020 में भारत की GDP का अनुमान कितना लगाया। तो हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2020 में हमारे भारत की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका अनुमान लगाया है 1.9%। कितना अनुमान लगाया गया है? 1.9%। ये पता होना चाहिए आपको। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आपको बता दूं कि COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे देशों की जो GDP है वो नेगेटिव हो गई है, बिल्कुल की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। बट भारत उन देशों में से है जिनकी जो GDP है वो पॉजिटिव है। तो भारत की जो GDP है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो 1.9% रहेगी 2020 में। अब यहाँ पर आपको IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में स्टैटिक GK वाला पोर्शन पता होना चाहिए। तो IMF की जो स्थापना है 1945 में हुई है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन में, कहाँ पर है? वाशिंगटन में। और IMF इनके जो MD है मैनेजिंग डायरेक्टर उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और यहाँ पर आपको चीफ इकोनॉमिक्स का नाम भी पता होना चाहिए। तो IMF की चीफ इकोनॉमिक्स है गीता गोपीनाथन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। अगला करंट अफेयर, हाल ही में किस राज्य ने YSR निर्माण और COVID-19 पोर्टल लॉन्च किया। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं YS जगमोहन रेड्डी, उन्होंने एक YSR यानी कि YS जगमोहन रेड्डी निर्माण और COVID-19 पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया ताकि जो कोरोना वायरस महामारी है उसे खत्म किया जा सके, ठीक है। और जो हमारे MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कर्मचारी, उन्हें यहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा उनके कामकाज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में स्टैटिक GK वाला पोर्शन आपको नोट करना होगा, इम्पोर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। क्या है कैपिटल? अमरावती। और आंध्र प्रदेश के जो CM है मुख्यमंत्री उनका नाम है YS जगमोहन रेड्डी। क्या नाम है? YS जगमोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर का नाम पता नहीं, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद
हरिचंद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का प्रशिक्षण किया? तो उस देश का नाम है उत्तर कोरिया, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक एंटी शिप मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, ठीक है। और ये जो मिसाइल है ये हवा से स्टह में मार करने वाली मिसाइल है, ये आपको पता चाहिए। और इसके बाद ये भी पता चाहिए कि ये मिसाइल 150 kg जो भार है वो एक टाइम पे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सक्षम है, ठीक है। उत्तर कोरिया के द्वारा इस मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया है। उत्तर कोरिया के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन बता देती हूँ। उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, प्योंगयांग। और उत्तर कोरिया की जो करेंसी है वो है नॉर्थ कोरियन वॉन, ठीक है, नॉर्थ कोरियन वॉन। और नॉर्थ कोरिया के चेयरमैन का नाम भी पता होना चाहिए, तो उनका नाम है किम जोंग उन, किम जोंग उन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई उत्तर कोरिया के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने COVID-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसेक का विकास किया है? तो इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में DRDO के द्वारा, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कोवसेक नामक एक प्रणाली का विकास किया गया है। इससे क्या होगा कि जो COVID-19 से संक्रमित मरीज है उनके जो सैंपल है वो इकट्ठे किए जाएंगे, ठीक है। जितने हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उन सभी की टेस्टिंग की जाएगी, उनके सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे कोवसेक इसके तहत। अब यहाँ पर DRDO के बारे में नोट डाउन करना होगा आपको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो DRDO की जो स्थापना है ये 1958 में हुई है, फुल फॉर्म आपको नोट करनी है एक तो। उसके बाद हेडक्वार्टर आपको पता नहीं, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और DRDO के जो चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है अब्देल लुहाब असाऊ, ए ऑप्शन सही है। इन्हें हाल ही में 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 दिया गया है। इनका एक बहुत ही फेमस उपन्यास था जो कि 2018 में पब्लिश हुआ था, उपन्यास का नाम था द स्पार्टन कोट। इस उपन्यास के लिए इन्हें 2020 में ये 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड दिया गया। अब्देल लुहाब असाऊ आपको पता है कि अल्जीरिया के बहुत ही फेमस राइटर थे, इनका नाम नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD और CEO कौन बने? तो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO बने हैं विनीत अरोड़ा, सी ऑप्शन आपका सही। विनीत अरोड़ा को हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया, ठीक है। इससे पहले जो विनीत अरोड़ा थे ये एगोन लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO थे। एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम आपने सुना होगा, इस कंपनी के ये MD और CEO थे, बट अब ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO बने हैं। यहाँ पर आपको पेटीएम के बारे में इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। तो पेटीएम की जो स्थापना है 2010 में हुई थी और पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में। और पेटीएम के जो MD और CEO हैं उनका नाम है सतीश कुमार गुप्ता। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी होगी कि अभी जो मैंने टेस्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD और CEO का नाम बताया जिनका नाम है विनीत अरोड़ा, बट जो पेटीएम कंपनी है उनके MD और CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रुप 20 देशों के FMCBG यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की दूसरी बैठक में भारत की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो ग्रुप 20 देशों की जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक हुई थी उसमें भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। निर्मला सीतारमण जी आपको पता ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया था। और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के तौर पर आपको पता ही RBI की जो प्रेजेंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास नाम है उनका, क्या नाम है RBI के गवर्नर का, शक्तिकांत दास, उन्होंने गवर्नर के तौर पर पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी इसमें COVID-19 से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई थी, ठीक है, इसीलिए ये बैठक ऑर्गेनाइज की जाती है।
और यहाँ पर आपको पता चल कि ये जो बैठक ऑर्गेनाइज की थी ग्रुप 20 देशों की बैठक 2020 में, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इस बैठक की अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन नोट कर लेते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। क्या है कैपिटल? रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के किंग का नाम है सलमान। क्या नाम है किंग का? सलमान नाम है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी सऊदी अरब के बारे में। और ग्रुप 20 नाम से क्लियर हो रहा है 20 देश इसके मेंबर होंगे, इसीलिए इसे ग्रुप 20 का नाम दिया गया है। और ग्रुप 20 की जो स्थापना है ये 1999 में की गई थी। इसका गठन 1999 में किया गया, 1999 में। और इस क्वेश्चन में आपको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्लस हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि RBI के गवर्नर का नाम नोट करना होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया, आपको बताना है निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो रंजीत चौधरी ये बहुत ही फेमस अभिनेता थे। बी ऑप्शन आपका सही है, बॉलीवुड और हॉलीवुड के भी बहुत ही फेमस अभिनेता थे। ठीक है, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिल्म और टेलीविजन उसके बाद थिएटर कलाकार भी थे। इनका नाम नोट डाउन करना होगा, रंजीत चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, आपको बताना है किस देश से संबंधित थे? तो जफर सरफराज ये पाकिस्तान के बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे। ए ऑप्शन आपका सही है, इनका हाल ही में COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। ठीक है, क्या नाम है? जफर सरफराज। आपको पता है कि 1988 से लेकर 1994 तक इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैच खेले थे। अब यहाँ पर आपको पाकिस्तान के बारे में नोट डाउन करना होगा क्योंकि ये पाकिस्तान के फेमस प्लेयर थे। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ये पाकिस्तान की कैपिटल है। और पाकिस्तान की करेंसी है रुपी। और पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अरीफ अलवी। अरीफ अलवी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई पाकिस्तान के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट करके आपको बताना है। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू।